चलो यार गाइस, बहुत ज्यादा टीवी देख ली, सुबह से यही कर रहा हूँ, देख देख के बोर हो गया। वैसे शिनचैन और चॉप कहाँ पर है? पक्का कोई मस्ती कर रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी पूरा दिन बैठने से तो अच्छा वही है, वो लोग पक्का नीचे होंगे। जल्दी जल्दी जाते गाइस, मैंने बोला था ना आपको, वो रहे। और एक मिनट, शिनचैन नाच क्यों रहा है? शिनचैन चॉप, कौन सी खुशी की बात है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि शिनचैन नाच रहा है इसलिए। अरे तो नाचने के लिए कौन सी खुशी की बात होनी चाहिए, मेरा तो मन हो रहा था नाचने का, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। कैसे हो फ्रैंकलिन? टोनी? अबे ये कहाँ से टपका? मैं टपका नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक काम से आया हूँ। अल्ट्रॉन वापस आ गया है और तुम्हें उसे रोकना होगा। क्या बात कर रहा है, पर लास्ट टाइम तो मैंने उसे हरा दिया था, वो बार बार कैसे वापस आ जाता है? तुम भूलो मत, वो एक रोबोट है, वो मर नहीं सकता। अरे ये तो मुसीबत वाली बात है, अभी हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, हमें उसे हराना होगा, पर उसे हराने के लिए हमें सूट चाहिए, और वो उसने चोरी कर लिए है और उन सब सूट को अलग अलग जगह पर बेच दिया है। तुम्हें उन सबको वापस हासिल करना होगा। मतलब तुम्हारे पास एक भी सूट नहीं है? देखो फिलहाल तो मेरे पास एक भी सूट नहीं है, वरना मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं खुद ही जाके उसे हरा लेता। तो अभी देखो, उनमें से एक सूट भंगार था, वो उसने ऐसे ही फेंक दिया है और मुझे उसकी लोकेशन पता है। ओके तो अब जल्दी से निकलो। अच्छा ठीक है, चिल्ला मत। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं। देखो टोनी ने तो बोल दिया कि सूट लेके आ जाओ, पर वो कहाँ पर पड़ा होगा और किस हालत में होगा मुझे तो पता भी नहीं है, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बस जल्दी से वहाँ पर पहुँचता हूँ, आज अकेला हूँ तो बाइक लेके जाता हूँ। इन सब में बस एक ही बात अच्छी है कि टोनी के पास उस सूट की लोकेशन है, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता कि हमको जाना कहां पर है। अब वहां जाके कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ लेंगे उस सूट को लेने का। तो गाइस टोनी ने जो लोकेशन दी थी ना, वो यही कहीं पर आगे है। अबे यार इस एरिया को तो मैं जानता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे टपोरी रहते हैं, मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। अरे वाह गाइस, मुझे नहीं लगता फिलहाल यहाँ पर कोई है, हमारे लिए यही अच्छा मौका है। देखो एग्जैक्ट लोकेशन जो थी ना, वो यही पर आके खत्म होती है, वो सूट पक्का यही कहीं पर पड़ा होगा भंगार में। इस गोडाउन में बहुत सारी चीज है, बाहर से एक बोर्ड भी दिखाई दे रही है। गाइस यार मुझे लगता है कि इसके अंदर ही होना चाहिए, अब बस जल्दी जल्दी कैसे भी करके को ढूंढ लेते हैं। हो वो रहा गाइस। वैसे टोनी ने सही बोला था, है तो ये सूट भंगारी, ऐसा लग रहा है इसको कार्डबोर्ड से बनाया है, पर गाइस अपने को ये सूट चाहिए, वरना हम लोग आगे के सूट खरीद के अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जल्दी से पहनता हूँ इसको। थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा फनी भी। मेरे पंटर लोग मेरी बात सुनो, मैंने इसके अंदर एक आदमी को जाते देखा है, वो पक्का यहाँ पर कुछ चुराने आया है, पर उसे पता नहीं कि ये इलाका अपना है, हमें उसे सबक सिखाना होगा, वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, हम उसकी हालत खराब कर देंगे। ये उसकी बाइक है ना, जला के खाक कर दूंगा मैं, अब बारी है उसकी, वो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, मैं चारों बाजू आग लगा दूंगा, अंदर ही तड़प तड़प के मर जाएगा, दोनों रास्ते पर जब आग होगी तो वो निकलेगा कहाँ से, अब इस जगह की बारी। अब निकल के बता चोर, थोड़ी देर में ये जगह जल के खाक हो जाएगी। गाइस यार ये आग किसने लगाई यहाँ पर, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ये जिस किसी ने भी किया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर आग थोड़ी कम है गाइस, हमारे पास यही चांस है। अबे यार ऊपर की चढ़ गया, चलो फाइनली बच गया। गाइस यार जिसका मुझे डर था वही हुआ। देखो यार गाइस इस सूट में कोई स्पेशल पावर तो है नहीं, तो मुझे यहाँ से जो गन मिली है ना मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी इन सबको निपटाते हैं यार। ओहो क्या बात है गाइस, हमें इन्हें मारने के पैसे मिल रहे, पक्का सरकार ने इन पर इनाम रखा होगा। चलो चलो थोड़े बहुत लोग बाकी है। वाह क्या बात है यार, मुझे मारने आए थे, बेचारों की हालत टाइट हो गई। ओहो इनके और भी मेंबर आ गए गाइस, यहाँ तो पूरी गैंग रहती है। चलो अच्छा हुआ हमने सूट पहन लिया था, इसलिए मुझे आग से भी कुछ नहीं हुआ। और एक और बात अच्छी हो गई, इस एरिया को साफ सफाई की जरूरत थी, यहाँ पर बहुत गुंडे भर गए, बेचारे जो आम लोग यहाँ से गुजरते हैं ये गुंडे उनको मार के उनका सारा सामान ले लेते हैं, चोरी चकारी कर लेते हैं। आज तो फैसला करके रहूंगा, इनका एक भी नहीं बचेगा। तेरी तो मैं पीछे से मारता है, चलो कम से कम इस सूट में गोली तो नहीं लग रही मुझे। तेरी तो मैं छुप रहा था, क्या हुआ? अरे 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 फिर से उठ रहा है। नहीं गाइस गया, लुढ़क गया, इसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। गाइस मुझे लगता है मैंने सबको हरा दिया है, और इन सबको मारने के हमें मिले हैं $10,000, इससे हमारा काम बन सकता है। देखते $10,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय, ये थोड़ा सा अजीब सूट है, लग भी नहीं रहा कि मैं आयरन मैन हूँ। गाइस यार इन्होंने मेरी बाइक तो जला दी है, मुझे नहीं लगता ये चलेगी। एक काम करता हूँ, इनकी गाड़ी लेके जाता हूँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं क्या करूँ। जल्दी जल्दी चालू करके निकलते इससे पहले कि और गुंडे आए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना सबको हरा के जाता। फटाफट निकल भाई। एक मिनट, ये क्या रखा है इस गाड़ी में? लॉस सैंटोस में एक रेस होने वाली है और उस पे इनाम है पूरा $1,00,000, और गाइस उसी के साथ एक पास भी रखा है उस रेस में हिस्सा लेने का। पक्का ये पास उनमें से किसी गुंडे का होगा, ये हमारे काम आ सकता है।
जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचते हैं। अगर हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि रेस यहीं पर होने वाली है। यहां पर स्टार्ट और फिनिश लाइन का बोर्ड भी लगा हुआ है और बाइक वाले भी खड़े। चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये बाइक रेस है। जल्दी जल्दी इसके पास जाता हूं। अरे भाई साहब सुनो ना, मेरे पास भी पास है, मैंने इस रेस में हिस्सा लिया हुआ है, ये देखो मेरा पास। बोलता तुम बराबर आए हो, पर इतने देर कहां पर थे? अभी तो रेस शुरू हो जाती, चलो जाओ जल्दी से जाके बैठो। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, यार जल्दी से जाके बाइक पर बैठते हैं। फटाफट चालू कर लेता हूँ यार, नहीं तो बाद में चालू करने जाऊंगा तो ये लोग आगे निकल जाएंगे। रेस बस शुरू होने वाली है और चालू हो गई। अबे यार ये लोग तो स्टार्टिंग में आगे निकल गए, ऊपर से मुझे टक्कर मार मार के जा रहा है। इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं गाइस। क्यों मुझे लगता है अपनी बाइक स्लो है क्या? पहले एक ही आगे था, अब दोनों जन आगे। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगा। हमें वो $1,00,000 चाहिए किसी भी हालत में। मैं जा रहा हूँ यहाँ से शॉर्टकट मार के, जो होना होगा हो जाएगा। ओहो चलो पास तो पहुंचा कम से कम, पर फिर भी अभी ये दोनों आगे हमसे। ये देखो आपस में लड़ रहे। गाइस मुझे लगता है एक तो गया नीचे। अबे नहीं यार ये दोनों तो शॉर्टकट मार के गए, मैं भूल गया था कि खाली दिमाग अपने में नहीं है, उन लोग में भी है। क्या स्पीड में चला रहे दोनों जन, आप लोग देख रहे हो। गाइस कुछ भी हो जाए हमें कैसे भी करके इनसे आगे निकलना होगा। हो हो हो, क्या जंप मारी है इन्होंने, मजा आ गया यार। देखो मजा आए ना आए, डर जरूर लग रहा है क्योंकि इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्रो प्लेयर है। क्या चला रहे यार, मैं तो इनका फैन हो गया। आज तक मुझे इतनी मुश्किल कभी भी नहीं हुई किसी से आगे निकलने में, पर यहाँ बस मैं पीछे ही रह जा रहा हूँ। कहाँ गए यार, बहुत ज्यादा आगे निकल गए क्या? नहीं नहीं यहाँ से मुझे दिख रहे। कम ऑन फ्रैंकलिन तू कर सकता है, तेरे पास आयरन मैन का सूट है। वैसे देखा जाए तो ये सूट फिलहाल तो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि कोई गुंडे तो मुझे मार नहीं रहे, हमें बस रेस करनी है। इससे खाली एक फायदा हो सकता है कि अगर हम लोग गिर गए ना तो हमें लगेगी नहीं, इस सूट के वजह से बच जाएंगे। चलो गाइस मुझे लगता है मैंने एक को तो पीछे कर दिया है, अब बस एक बाकी है। एक तो ये ट्रैक है ना बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ये यहाँ से जाएगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा यार। अब यहाँ से सीधा शॉर्टकट। अबे नहीं आगे नहीं निकल जाए, आगे नहीं निकल जाए। चलो बच गए। अभी तो एक गड़बड़ होती और सब कुछ हाथ से जाता। गाइस यार रेस बस कुछ ही देर में पूरी होने वाली है, हमें अपनी पूरी जान से बाइक भगानी है। अब तो कुछ भी हो जाए, अगर पास आए ना तो लात मार के भगा दूंगा। वैसे तो अभी तक पास आई नहीं है, मुझे लगता है मैंने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। चलो ये अपने लिए बहुत अच्छा है गाइस, मुझे फिनिश लाइन सामने दिख रही है। क्या बात है यार, और ये आखिरकार मैंने कर दिखाया, हम लोग जीत गए। अब हमारे पास पूरे $1,00,000 है। जल्दी जल्दी चेक करते हैं कि पैसा आया भी है या नहीं। तो गाइस इनाम हमारे पास आ चुका है और उसी के साथ ये लोग भी आ गए। दूसरा वाला कहाँ रह गया, वो कहीं गिर विर तो नहीं गया है? नहीं 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 गाइस वो रहा, वो भी आ रहा है। चलो जो हमें पैसे मिले हैं सबसे पहले उससे हम अपना सूट अपग्रेड करें। देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय, ये अच्छा है, अब लग रहा है कि मैं आयरन मैन हूँ। नहीं तो दो बार से तो इतने भंगार सूट मिल रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब देखते हैं कि ये सूट काम करता है या नहीं। ओहो गाइस अभी हम लोग उड़ सकते हैं। चलो फाइनली जाके ढंग का सूट तो मिला कम से कम, मुझे तो रोना आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। अरे टोनी ये तो सीधा ही कनेक्ट हो गया। हाँ क्योंकि तुम मेरा ही सूट यूज कर रहे हो। हाँ बोलो ना क्या हुआ। अल्ट्रॉन ने खतरनाक रोबोट बनाया है जिसने सारे अवेंजर की टीम को किडनैप कर लिया है, तुम्हें जाके उन्हें बचाना होगा। मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई सूट नहीं है। अच्छा ठीक है, पर वो लोग है कहाँ पर? उनकी आखिरी लोकेशन हेलीकैरियर से आई थी। अच्छा ठीक है गाइस, यार हेलीकैरियर तो यही पर होना चाहिए, पूरा ऊपर। ये है तो अवेंजर का ही, पर उस रोबोट को मानना पड़ेगा, कितना जिगरा है। उनकी जगह पर आके उनको ही किडनैप कर लिया। जरा देख के तो सही, वहाँ पर चार लोग दिखाई तो दे रहे। गाइस ये तो अवेंजर ही है, टोनी एकदम सही बोल रहा था। इन बेचारों की तो हालत खराब है, सबको बांध के रखा है। अरे प्लीज मुझे कोई छुड़ा लो, मुझे जोर से आई है, अगर मैं नहीं हिल पाया तो मैं अंदर ही कर दूंगा। अरे कोई बचाओ रे। गाइस यार हमें जल्दी से जाके उनको खोलना होगा, बेचारे अवेंजर एक रोबोट ने इनका ये हाल कर दिया। जल्दी से जाके सबकी रस्सियां खोल देते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। और ये हो गया, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम सब लोग ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी। अरे यार आवाज से तो पहचानो, मैं फ्रैंकलिन हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन। अरे नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम संभल के रहना, वो रोबोट बहुत खतरनाक है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, उसकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। जरा देखो तो सही, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने आया है, पर अफसोस की बात यह है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। गाइस यार बुरा वो रोबोट, चलो साथियों से हरा देते हैं। गाइस यार अवेंजर भाग गए कैसे? मतलब ये यार मैंने उनको बचाया था, उनको मेरा साथ देना चाहिए। तुम तो गए बेटा, यहाँ पर आके गलती कर दी है। एयरफोर्स तैयार हो जाओ। एक मिनट एयरफोर्स, अबे यार ये लोग कहाँ से आ गए, इतने सारे जेट्स? इस रोबोट ने पक्का इन सबको हैक कर लिया है, ये सब तो विदाउट पायलट चल रहे हैं। गाइस सबको हराना होगा, इन सबको मार गिराना होगा, वरना ये मुझे नहीं तो शहर को नुकसान पहुंचाएंगे। जल्दी 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 जल्दी। वैसे एक बात अच्छी है यार, इनको फोड़ने के भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, किसी के 50,000 तो किसी के 30,000 तो किसी के 20,000।
जितने भी मिल रहे हैं यार बस आने दो, फटाफट सबको मार गिराएंगे हम लोग। अबे यार ये लोग इतने स्पीड में जा रहे ना, मेरी मिसाइल इनको लग ही नहीं रही है। चलो चलो बहुत सारों को तो फोड़ दिया है, अब बस बहुत कम ही बाकी है इसकी, तो मैं ये भी गया। अबे यार फिर से चुक गया। नहीं चुका नहीं चुका, हमारी मिसाइल इनको ऑटो डिटेक्ट कर लेती है और इनके पीछे ही लग जाती है। ओ ओ ओ आउच, अभी ये क्या हो गया यार, मैं ही टकरा गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और इस बार ये गया। गाइस मुझे लगता है कि मैंने सबको फोड़ फोड़ दिया है, अब शायद ही कोई प्लेन बाकी होगा, सब गिर ही रहे। और उसके बदले गाइस हमें मिले हैं पूरे $5,00,000। अब जल्दी से वापस नीचे जाता हूँ और उस रोबोट को जाके मजा चखाता हूँ। कहाँ गए, मेरे सामने आओ, तुम अभी तक मुझसे भिड़े नहीं हो ना। गाइस एक और प्लेन बाकी था क्या? अबे नहीं 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 नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए, और ये प्लेन गया। वो रोबोट भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है? ये रहा गाइस ये रहा, मुझे तो लगा भाग गया होगा। तेरी तो मैं, अब आना क्या हुआ? आप ये ले, मेरे दोस्तों को किडनैप करेगा। तुम एक मामूली से आदमी हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, मैं एडवांस लेवल का रोबोट हूँ। गाइस यार क्या घसीट रहा है ये, तेरी की अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब उठ के बता तू बस। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे नहीं हरा सकते हो। गाइस यार मैं इसको इतना मार रहा हूँ पर इसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही है, अभी भी मुझे धमकी दिए ही जा रहा है। अबे नहीं 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 नहीं, क्या पेले जा रहा है यार ये। गाइस इसका बहुत हो रहा है, अब मेरा दिमाग सच्ची में खराब हो रहा है। आता माजी सटकली, तू तो गया, ये ले। क्या हुआ, एडवांस लेवल का काम नहीं कर रहा है क्या यहाँ पर? अब तू मेरी मिसाइल खा, जिससे मैंने सारे जेट को ढेर किया था, अब उसी से इसको भी करूंगा। ये मिसाइल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके तो अंजर पंजर हिल गए होंगे। बेचारा पागल सा हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। हम लोग रुकने ही नहीं वाले, अब तो इसको ब्लेड से मारूंगा, इसके सारी वायरिंग ही काट दूंगा, फिर मैं भी देखता हूँ ये कैसे चलता है। अरे अभी भी खड़ा है, मानना पड़ेगा। वैसे भी गाइस ये रोबोट अल्ट्रॉन ने बनाया है, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। चलो बहुत मुश्किल से, पर आखिरकार हमने इसे धूल चटाई दी, अब ये नहीं उठ पाएगा। और गाइस इसे मारने के भी हमें मिले हैं $5,00,000, अब हमारे पास है पूरे $1,000,000। तो देखते हैं कि $1,000,000 में कौन सा सूट मिलता है हमें, यही पर अपग्रेड कर लेते हैं और कहां जाएंगे। जल्दी से मार्केट खोलते हैं, और ये रहा $1,000,000 वाला, बाय। ये वाला थोड़ा सा अलग है और बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। अब चलो गाइस यार यहां से नीचे चलते हैं, क्योंकि हमें और भी पैसे जमा करने हैं। इस वाले सूट के साथ भी मैं अल्ट्रॉन को नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने खाली एक रोबोट बनाया था जो मुझ पर भारी पड़ चुका है, तो सोचो वो कितना खतरनाक हो गया होगा। पर यार और पैसे कैसे जमा करूं? अब ये रास्ता तो देखा हुआ लग रहा है, यहां तो बीच में कैप्टन अमेरिका का मेंशन आता है। ये रहा वो, लास्ट टाइम मैंने उसकी गाड़ी चुराई थी, उसने पक्का नई गाड़ी ली होगी, इस बार वो भी चुरा लेता हूँ। पर यहाँ पर तो गार्ड खड़े हैं यार, सबसे पहले तो इनको निपटाता हूँ। ये ले, और ये गया। अब चुपके से गाइस मुझे इसके घर के अंदर घुसना है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं, भाग भाग के भाग भाग के। आवाज नहीं होनी चाहिए, बस धीरे से दरवाजा खोलता हूँ। अब इसकी तो ये सामने खड़ा है, बच गए। मैं डर गया था अचानक से, एक तो शाकाल जैसी शक्ल थी इसकी। गाइस एक मिनट, किसी की तो आवाज आ रही है अंदर से, 1, 2, 3, पक्का यहाँ पर कोई तो है। गाइस छुपके से देखता हूँ यहाँ पर, ओहो ये रहा कैप्टन। चलो ये एक्सरसाइज कर रहा है, इसका मतलब ये बिजी है, इसका ज्यादा ध्यान होगा नहीं आसपास अभी, तो हमारे पास यही मौका है। इसको तो लुढ़का दिया है, तो ये भी अभी नहीं बता पाएगा। अब बस एक गार्ड बचा है, और वो रही उसकी गाड़ी, एकदम चमचमाती नई नई, ये तो पहले वाले से भी ढांसू है। तेरी तो मैं ये ले, बेचारे को सर की टक्कर बहुत जोर से लगी होगी। गाइस इससे पहले कैप्टन अमेरिका की एक्सरसाइज पूरी हो, हमें ये गाड़ी लेके यहाँ से निकलना है। अगर उसको पता चल गया तो वो हमारी हालत खराब कर देगा, पिछली बार भी बेचारे की गाड़ी चुराई थी मैंने, वो बोलेगा क्या है तेरे को, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वैसे गाइस आपको सच्ची बताऊं ना, तो मैंने इस बार ये सोचा नहीं था, पर उसका घर बीच में था, मैं क्या करूं, अब जो दिखेगा वही तो बिकेगा। ओ, ओ, ओ नहीं 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 नहीं, कैप्टन तो हमारे पीछे यार, और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है, इसको पता कैसे चल जाता है? पक्का अलार्म बज गए होंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, अगर इसके हाथ में गाड़ी लग गई तो ये हमारी गाड़ी फोड़ देगा, और फिर मैं इसे बेच भी नहीं पाऊंगा, और अगर बेच दिया भी तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, उसमें हमारा सूट भी नहीं आएगा। एक काम करता हूं कि गाड़ी को कहीं पर जाके छुपा देता हूं, ये जगह ठीक रहेगी, के पीछे छुपा देता, उसको दिखेगी भी नहीं। अब पहले जाके उसको मजा चखाता हूँ, उसको कैसे भी करके बेहोश करना होगा। यहाँ पर ही रुकता हूँ, कैप्टन आने वाला होगा। कहा गया कैप्टन, वो गाड़ी मुझसे पानी में गिर गई है, तुम नई गाड़ी ले लेना। आ गया गाइस आ गया, वही पर रुक पास बता। क्या खुन्नस से आ रहा है ये, इसके पहले ये कुछ करे मैं कर रहा हूँ इसको बेहोश। तेरी तो मैं ये ले। अरे यार कहा जाएगा उछल के, कहा जाएगा, ये उछलने की जगह। गाइस ये हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करता है, पर बेचारा आ नहीं पा रहा है। मानना पड़ेगा ये सूट बहुत ज्यादा तगड़ा है, इसे चला के मजा आ गया यार। कैप्टन को क्या कमाल की टक्कर दी है मैंने, कैप्टन मुझे मार ही नहीं पा रहा है, वो बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है। क्या उड़ के गया है सीधा पानी के अंदर, ये वापस आएगा भी या नहीं? मुझे तो लगता है कि शायद नहीं। नहीं आ गया आ गया आ गया, मुझे गलत लग रहा था गाइस, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे यार बेहोश हो जा, इतना मारू और मिसाइल पे मिसाइल छोड़ रहा हूँ, फिर भी इस पे काम नहीं कर रही। और अब तो ये गया, अब तो ऑलमोस्ट इसने हम पे हाथ उठा ही दिया था। एक बार अगर
उसका हाथ हमें लग गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि मुझे लगता है अब ये बेहोश हो चुका है। चलो कैप्टन तो यहीं पर बेहोश हो गया है, तो जल्दी जल्दी भागता हूँ क्योंकि होश में भी जल्दी आएगा। कहाँ गई मेरी गाड़ी, यही कहीं पे छुपाई थी मैंने, बो रही गाइस उन झाड़ियों के पीछे। फटाक से जाके अंदर बैठते और निकलते यहाँ से। अब यहाँ से मैं कहीं रुकूंगा ही नहीं, सीधा जाऊंगा साइमन के शॉप पर और जाके वहां पर बेच दूंगा इस गाड़ी को। सॉरी कैप्टन, मुझे माफ कर देना, पर जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे ना मैं तुझे नई गाड़ी खरीद के दे दूंगा। तो गाइस अब भगाते हैं गाड़ी को पूरी स्पीड में और जाते सीधा साइमन के पास। चलो फाइनली मैं पहुंचने आया हूँ। साइमन कहाँ है? वो रहा। ओ ओ ओ गाइस, एक गड़बड़ हो गई, नताशा यहाँ पर क्या कर रही है? काश कि उसको पता ना हो कि ये गाड़ी किसकी है। अरे साइमन मेरी बात सुना। अरे नताशा तुम भी यहाँ पर, कुछ काम से आई थी क्या? तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मुझे। अरे मैं तो बस टहल रही थी तो सोचा साइमन से मिलते चलूं। एक मिनट, ये गाड़ी तो कैप्टन की है ना, तुम्हारे पास क्या कर रही है? सच्ची बताओ, तुमने इसे चोरी की ना टोनी, तुम ये सब करने लगे? अरे मैं टोनी नहीं, फ्रैंकलिन हूँ। तभी ये चोरी करना कब छोड़ोगे? अरे छोड़ना प्लीज, उसको बताना मत। अच्छा तो इस बार तुम ये वाली गाड़ी बेचने आए हो? इसका मैं तुम्हें $2 मिलियन दे सकता हूँ क्योंकि पूरी नई लग रही है। अच्छा चलो चलेगा। चलो यार गाइस यहाँ से भागते हैं, इससे पहले कि नताशा कुछ और पूछे और जाके अपना सूट अपग्रेड कर लेते हैं। हमारे पास $2 मिलियन है, देखते हैं कि $2 मिलियन में कौन सा सूट है। और ये बाय, ये भी थोड़ा अलग है। तो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो अभी भी हमें अपग्रेड की जरूरत है। हम लोग इस सूट के साथ अल्ट्रॉन को नहीं हरा सकते, बस एक या दो अपग्रेड बाकी है, उसके बाद तो मैं अल्ट्रॉन की चटनी बना दूंगा। एक मिनट, वो क्या है? हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रैंप होने वाली है। आज भगवान हमारे साथ है। मुझे लगता है ये ऑर्गेनाइजर है, इससे ही पूछता हूँ। दादा क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है, और इनाम कितना इस पे? हाँ तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, एक राइडर की जगह अभी भी खाली है। यहाँ पर रैंप चैलेंज होने वाला है, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे मिलेंगे $5 मिलियन। ओके गाइस ये बहुत ही अच्छा है, जल्दी से जाके बाइक पर बैठते हैं। रैंप बस शुरू होने वाली है और 1 2 3 गो गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो इस बार अच्छा हम लोग आगे, क्योंकि पिछली बार जब रेस हुई थी ना तो हम लोग दोनों से पीछे रह गए थे। अबे यार ये सब क्या आ रहा है बीच में? अबे यार कितने अच्छे से आगे हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आगे हो गए। अब ये हमें बरकरार रखना है। एक तो ये रैंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतने आड़े टेढ़े रास्ते हैं ना इस पे। जरा इसको तो देखो कितने नजदीक आ गया है हमारे। अगर इसको ऐसा लगता है कि ये जीत जाएगा ना तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। मैं अभी अभी एक बाइक रेस जीत के आया हूं, तो ये तो मुझे कहीं से नहीं हरा सकता। ओ ओ ओ, अबे ये सब क्या पियानो टाइल्स? आराम आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि इन सबके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ओह भाई साहब वो भी आ गया गाइस। अब हम लोग रुक नहीं सकते और आराम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जितना जल्दी हो सके संभल कर जाना है आगे। चलो चलो थोड़ा बहुत रास्ता बाकी है। आप लोग देख रहे हो मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ यार, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपको पता चल जाए। ओहो इतना पास आ गया और ये मैंने मारी गाइस जंप। पहुंच जा नीचे नहीं गिरना। ओहो बच गए, क्या टाइम पर टर्न लिए मैंने। अब आगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, चलो इससे नीचे नहीं गिर सकते, आजू बाजू सपोर्ट था और ये मैं पहुंच गया यहाँ पर। गाइस वो अभी भी हमसे बहुत ज्यादा पीछे है, बेचारा कब से ट्राई कर रहा है। ओ जरा इसको तो देखो, ये साइड से चला रहा है। भाई मानना पड़ेगा है तो टैलेंटेड पर हम भी कम नहीं है। अबे नहीं नहीं कहाँ अटक गया। चलो बच गए। आजा बेटा जितनी ट्राई करनी कर ले, मैं भी इसमें प्रो हूँ, आज तक तो एक रैंप नहीं हारा। हाँ बस एक बार हारा हूँ, आपको याद होगा उसमें हम लोग सेकंड आए थे और हमें सेकंड प्राइज मनी मिली थी। पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो जितना भी इनाम है ना पूरा का पूरा मुझे चाहिए, वरना सूट अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा मैं। हो, इसके ऊपर से हम लोग आगे निकल गए गाइस, ये फाइनल है, बस इससे आगे नहीं निकले वो, और ये मैं पहुंच गया। अबे नहीं 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 रुक जा, क्या किनारे से गया हूं मैं भाई साहब, यार मजा आ गया गाइस। सॉरी दोस्त मुझे माफ कर देना, पर मुझे पैसों की जरूरत थी। तो गाइस अब जल्दी से सूट को अपग्रेड करते हैं, देखते हैं 5 मिलियन में कौन सा सूट है। और ये बाय हल्क बस्टर। भाई साहब अब तो गया अल्ट्रॉन। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे अल्ट्रॉन की लोकेशन मिल चुकी है। ओके मैं समझ गया। तो गाइस यार टोनी ने जो लोकेशन दी थी ना वो यही की थी। ओहो भाई साहब इसने तो पूरी आर्मी खड़ी करके रखी है और ये सारे रोबोट तो अल्ट्रॉन जैसे दिख रहे। ओहो चालू हो गए, सीधा मुझे ही निशाना बनाया, टारगेट पहले से फिक्स था गाइस। तो मैं ये लो, आधे तो एक दूसरे को खुद ही मार रहे हैं, इनको पता ही नहीं लेजर कहां पर जा रही है। जहां मैंने एक दो मारे इन लोगों ने आपस में 10-12 मार दिए। चलो हमारा काम आसान हो गया, तो मैं थोड़े बहुत रोबोट और बचे हैं, ये भी जल्दी लुढ़क जाएंगे क्योंकि जैसे जा रहे ना ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है ये लोग। अल्ट्रॉन यार गड़बड़ कर दी तेरी, ये वाली आर्मी में तो फॉल्ट निकला, लगता है इसमें कोई टेक्निकल इशू था, ये सारे तो आपस में खुद ही निपट लिए। चलो गाइस बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा था थोड़ा मुश्किल होगा पर इन्होंने तो खुद की पुंगी खुद ही बजा दी। ओहो ये रहा अल्ट्रॉन, इसकी तो मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे चोर जो तू कर रहा है ना वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो तो तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे बाद जाके मैं टोनी को भी मार दूंगा, उसके बाद
बात सारा खेल खत्म। अबे नहीं, ये तो मेरी तरफ यार, उतर क्या उची ओ, 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 इसकी तो मैं ये ले। गाइस यार ये क्या फटाफट मारने की ट्राई कर रहा है, पर हमारे पास भी हल्क बस्टर का सूट है। इतना भारी हाथ जब इसको पड़ेगा ना तब इसे पता चलेगा। बस एक बार अच्छे से मौका मिल जाए, ये ले। क्या पंच पड़ा है यार, बेचारे की हालत खराब हो गई होगी। कहा गया वो रहा यार पीछे रह गया। कोई बात नहीं हमारी मिसाइल वहां तक पहुंच जाएंगी। बेचारे की वाट लग गई है। ये सूट कमाल का है गाइस, कितना बल्की है ये। जब भी मैं इसे मारता हूँ ना ऐसा लगता है इसके सारे दांत टूट जाएंगे। ओहो, वैसे ये भी कम नहीं, ये भी अपग्रेडेड अल्ट्रॉन है, पर आज तो इसे इतना मारूंगा ना लंबे समय तक हमारे सामने नहीं आएगा। अरे कहा गया, ये रहा गाइस, निशाना लगा लिया है। अब यार चुक गए फिर से एक बार। क्या बच रहा है ये, इस बार नहीं बचेगा। लगा ना इसको, लग रहा है हर बार हम लोग चुक जाएंगे। क्या बोला था इसके रोबोट ने, एडवांस टेक्नोलॉजी, अब तेरे से एडवांस मैं हूं। क्या हुआ, ये तो जम गया गाइस, और ये गया, क्या फ्रीज हो गया था। गाइस मुझे तो लगता है कि इसका खेल मैंने खत्म कर दिया है। एक और बार ये गया, कंफर्मेशन जरूरी है। अब बस इसके पीछे का पर्दा उड़ रहा है। गाइस फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया, अगर ये सूट नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। ओ क्या, वो सूट तो उड़ के वापस चला गया। अबे यार चलो कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों ने अपना मिशन पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।